बढ़ती ठंड को देखते हुए मंगलवार को मंदरा पंचायत स्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पप्पू चौहान के आवासीय कार्यालय में पप्पू चौहान और मांदरा पंचायत समिति सदस्य रंजीत सिंह के द्वारा जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के बागमारा मंडल अध्यक्ष बच्चू राय उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चू राय ने बताया कि पंचायत स्तर में बढ़ते ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया है। विगत 11 वर्षों से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पप्पू चौहान एवं पंचायत समिति रंजीत सिंह ने निस्वार्थ भाव से सेवा देते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी जनता के सुख दुख में घर घर पहुंचकर राशन वितरण किया है। यह दोनों हमेशा जनहित कार्य में जुड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही नेक कार्य है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सह समाज सेवी पप्पू चौहान एवं मंदरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रंजीत सिंह ने बताया कि सर्दी एवं कड़ाके की ठंड को देखते हुए समाज में वैसे लोगों को जो गरीब असहाय हैं उन्हें चिन्हित कर निस्वार्थ भाव से कंबल वितरण किया गया है। इस ठंड और शीतलहरी से राहत मिल सके, जिन लोगों को कंबल नहीं मिल पाया उन्हें भी देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ठंड से राहत मिल सके। आज मंदरा पंचायत में हमारे दो युवा साथी पप्पू चौहान जी और रंजीत सिंह जी के द्वारा जो जनप्रतिनिधि पीछा है 11 साल से मंदरा पंचायत में सेवा देते आ रहे हैं, पहले पप्पू जी की माँ और अभी रंजीत सिंह वर्तमान में, और यहाँ के जो भी जरूरतमंद हैं उसके सुख दुख के हमेशा साथी बनते आ रहे हैं। पिछला लॉकडाउन से जब भी जरूरत पड़ा, जिसको जिस भी प्रकार का वो सहायता दिए हैं, उसी सहायता के क्रम में आज इन लोगों का एक सोच आया कि ठंड, कड़क ठंड पड़े उससे पहले ही लोगों के बीच में कड़क ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण हो जाए, और उन्होंने अपना समाज सेवा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यहाँ के ग्रामीणों के मध्य कंबल वितरण कर अपना उत्कृष्ट सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया। यही था कार्यक्रम।